कोलगांव में WCL चंद्रपुर द्वारा नदी का उत्खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे गांव वासियों को साथ ही आसपास के गांव के लोगों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इस उत्खनन कार्य से रेती के ढेर जगह जगह पड़े हैं, जिससे आने जाने का मार्ग बंद है और राहगीरों को बड़ी परेशानी हो रही है। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिसमें गिरकर कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। इस उत्खनन कार्य से गांव की महिलाएं विसापुर गांव से खेती पर आने जाने वाले खेत मजदूर, दूध व्यवसायी, राहगीर, इन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही है। कोलगांव के मच्छीमारों का तो व्यवसाय ही ठप हो गया है और उन पर भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में उनके सामने उधर निर्वाह का एक अहम सवाल खड़ा है। यहां तक कि इस गांव में किसी की आकस्मिक मौत होने पर प्रेत ले जाने की भी समस्या यहां दिखाई दे रही है। इस उत्खनन कार्य से और रेती के ढेर जमा होने से, साथ ही जगह जगह गड्ढे पड़े होने से अब जानवरों को भी पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त गांव के सरपंच साथ ही गाँव वासियों ने यहां के हालात को बयां किया। 8 दिन पूर्व इस बात का इंटीमेशन दिया गया था, परंतु हालात कुछ न बदले। साथ ही गाँव वासियों का कहना था कि उत्खनन कार्य की पूर्व सूचना भी उन्हें दी जाए, परंतु ऐसा कुछ न हुआ और उत्खनन कार्य शुरू किया गया। इतने गंभीर हालातों के बावजूद WCL के किसी अधिकारी कर्मचारियों ने इस मौके पर पहुंचकर इन हालातों का जायजा नहीं लिया, ऐसा गाँव वासियों का कहना है। राजूरा से कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार। चंद्रपुर WCL उत्खनन चालू है, ते आजपर्यंत विसापूर घाटावर चालू होतं। आज विसापूर घाट तिकडून म्हणजे त्यासाठी रेती संपल्यानंतर त्यांनी कुलगाव नदीतली रेती सुरू केली आहे, त्यामुळे त्या गावात नदीजवळ पूर्ण अशी मातीचे रेती ढिगारे केले आहे, जागोजागी गड्ढे केलेले आहे। त्यामुळं आमच्या ज्या शेतामध्ये विसापूरवरून येणाऱ्या कामगार लोक होते, मजूर लोक, बाया लोक, त्यांना त्यांचा मार्ग सगळा बंद झालेला आहे। त्यातसुद्धा आम्हाला अडचण आली आणि गावातल्या जे काही स्त्रिया नदीवर कपडे धुण्यासाठी काही आपले सामान धुण्यासाठी येत होते, त्यांनासुद्धा अडचण झालेली आहे। म्हणजे मुलं दुपारी गावातली नद जवळ असल्यानंतर असल्यामुळे गावातले काही मुलं दुपारी नदीवर पोहण्यासाठी येतात, ते मधामधा गड्डे झाल्यानंतर ते समजा जीवितहानी झाली, याला जबाबदार कोण राहील? त्याच्यामुळे खूप अडचणी आमच्या ज्या तयार झालेल्या आहे। आता तुम्ही पाहू शकता हे सगळं घ्या काय तर जे रीती ठिकाणी जागोजागी ढिगारे झाले आहे, जागोजागी गड्डे झाले आहे। गावात समजा एखादी व्यक्ती मरण पावली तर आम्ही सरळ पहिले नदीवर आणत होतो, आता आम्हाला ती मोत जाळण्यासाठी आता जागा उरलेली नाही आहे। कोलगाव यहाँ से बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में रेती का जो उत्खनन चालू है, हमारे गांव के सरपंच उसने 8 दिन के पहले उसको मुँह से इंटीमेशन दिया था, वो कुछ मानी नहीं और 2 दिन हो गया ऐसी हालत नदी की कर दिया, हमारे लोगों को जाने के लिए पूरा दिक्कत कर दिया। हमारे भाई लोग जो है कपड़े धोने के लिए आती, उसका भी आना जाना बंद हो गया, सब मिट्टी का ढिगा रेती का सब ढिगारा बन गया और हमारे जानवर जो पानी पीने के लिए जहाँ पे आते वो सब बंद हो गया। हमारी जो एकाधे अकस्मात एकाधी मौत हो गई, उसको जलाने के लिए हम नदी से लेके आते, लेकिन उसका जाने का कुछ रास्ता ही नहीं रखा। पूरा हमारे गांव का पूरा ये WCL है चंद्रपुर एरिया वाले पूरा नुकसान कर रहे हैं। आजपर्यंत आम्ही आमचे आई बाबापासून आजा वडिलापासून इथं मच्छा धरत होते, आजपर्यंत आम्हाला इथं मच्छा भेटत होते, पण आजपासून हे WCL एरियावाल्याने असं केलेले आहे का आम्हाला आजपासून मच्छी भेटणे बंद होऊन गेली आहे। आता आम्ही काय करावे, आम्हाला उपाय नाही राहिला आहे, आता आम्ही कुठं जावं का करावं हे WCL वाल्याने नाही आम्हाला काही कोणी काही देत नाही ना काही नाही, पण आम्ही कुठं जावं, आम्ही उपास भोगाची पाडी आलेली आहे आम्हाला, आम्ही लोकांना काय करावं।